में जब दिया लगाओ और मंदिर में जब दीप प्रज्वलित करो, उस समय पर जब मंदिर में दीप लगाएं और मंदिर में जब दिया प्रज्वलित करें, अगर गोल बाती है तो वो तो दिए के बीच में ही होगी, फूल बाती है तो वो दिए के बीच में होगी, और मान लो अगर लंबी बाती लेकर गए हो, लंबी बाती को लेकर पहुँचे हो, तो अगर दीप लगा रहे हो, कामना रख कर लगा रहे हो कि मेरी ये कामना है, तो वो दीप का बाती का मुख अपनी ओर रखना, पर कोई कामना नहीं। हम भगवान को केवल इसलिए रिझा रहे हैं कि मेरा भोलेनाथ मेरा भंडार भरे और मेरे घर में सुख समृद्धि दे, तो दीप की बाती का मुख भगवान की ओर होना चाहिए। कि हमने तेरे भरोसे पर छोड़ दिया, अब हम किसी से नहीं पूछेंगे कि हमें क्या करना है, ये दीप की जो बाती का मुख है वो आपकी ओर है, अर्थात मेरा जो जीवन है, मेरा जो संपूर्ण परिवार है, मेरा जो कुटुंब है, मेरा जो कबीला है, मैं जिस घर में निवास करती हूँ, मैं जिस घर में रहता हूँ, उस घर का संपूर्ण कारोबार सब तुम्हारे भरोसे पर है, तो बाती का मुख कहाँ हो गया? भगवान की ओर हो गया। बाती का मुख फिर भगवान की ओर। पर ज़्यादातर लोग दिया जो लगाते हैं ना, वो अपनी ओर बाती करके ही लगाते हैं, मतलब इनकी कामना चलती ही रहती है 24 घंटे, कुछ कुछ कामनाएं इनकी जागरूक रहती है, इनकी कामनाएं निरंतर रहती है, पर उस बाती में जब आप अपना संपूर्ण परिवार, संपूर्ण अपने परिवार का दुकान हो, धंधा हो, व्यापार हो, व्यवसाय हो, चाहे आप जितना भी कार्य कर रहे हो, फैक्ट्रियां चला रहे हो, वो सब अपने भगवान के भरोसे पर दे दिया, भगवान की ओर दे दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाती का मुख भगवान की ओर हो तो तुम भगवान के बिल्कुल करीब में ही बाती का मुख कर लगा दो और भगवान को मालूम पड़े चोट लग जाए, ऐसा भी नहीं। जब भी दिया लगता है, आप बहुत ध्यान देना महाराज, अगर भगवान जिस स्थान पर बैठे हुए हैं, अगर दिया हमको रखना है, भगवान जहाँ विराजमान है, दीप जब भी रखा जाता है भगवान के सामने, तो अपन जहाँ विराजमान है उससे भगवान और अपने बीच में कम से कम दो बीता की दूरी तो होना ही चाहिए, जिससे भगवान को भी चोट ना लगे, भगवान को भी घात ना लगे। तुलसी महारानी को जो दिया लगाया जाता है वो तुलसा महारानी से दूर लगाना चाहिए। तुलसी के क्यारे में दीप लगाने का प्रमाण नहीं है कि तुम तुलसी के क्यारे के अंदर दिया लगाओ। पहले तो ऐसा नियम था कि तुलसी का जो क्यारा बनता था उसमें एक नीचे अलग से दिया रखने की जगह बनती थी, तो उसमें दिया रख दिया जाता था। आज के ज़माने में इतनी जगह ही नहीं कि वह में रखो, तो लोग वो कुंडा में धर के आ जाए। अब कुंडी में रख के आए, मालूम पड़े तुलसी महारानी का पत्ता मुरझा जाता है, तुलसा महारानी भी ऐसी मूर्छित हो जाती है, तुलसा महारानी भी चारों तरफ से वो दिए की लो से जल जाती है। ऐसा दीप लगाने का कोई फायदा नहीं, ऐसे दीप की कोई महत्वता नहीं है। किसी को कष्ट देकर, किसी को परेशान कर, देवता हो चाहे आप हो, आप किसी को कष्ट देकर, किसी को परेशान कर अगर भजन कर रहे हो तो उसका कोई सुख नहीं है हमारा, उसका कोई आनंद नहीं है। किसी को भी कष्ट देकर अगर आपने भजन भी किया, यज्ञ भी करा, दान भी करा, पुण्य भी करा, सत्कर्म भी करा, भजन